नमस्कार। शीर्षक पढ़कर आपको हैरत हो रही होगी कि बाबर का उल्लेख करते समय तैमूर तक तो ठीक है, इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीच में कहां से आ गई। तो आइए उसे स्पष्ट करते हैं। बाबर पिता की ओर से तैमूर तो माता की ओर से मंगोल लुटेरे चंगेज खान का वंशज था। तैमूर ने भारत को जीता तो उसे भी काफिर भारत को रौंदना चाहिए, यही महत्वाकांक्षा थी बाबर की। अब तैमूर भारत क्यों आया, इसे स्पष्ट करते हुए 1957 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने सैयद अतहर अब्बास रिजवी लिखित एक पुस्तक प्रकाशित की, तुगलक कालीन भारत। पुस्तक क्या है, हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का, उन्हें नीचा दिखाने का और क्रूर मुस्लिम शासकों के व्यवहार को आदर्श बताने का प्रयास ही है। उस पुस्तक में तारीख है फिरोज शाही का हिंदी अनुवाद है। उसे पढ़ते समय मेरा मन ग्लानि और अवसाद से भर गया। एक अंश देखिए, सुल्तान फिरोज शाह को कई बार यह सूचना दी गई कि प्राचीन दिल्ली में एक दुष्ट जुन्नारदार अर्थात ब्राह्मण खुल्लम खुल्ला मूर्ति पूजा करता है। उसने एक लकड़ी की मुहर बनवाई है जिस पर देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं। शहर के सभी लोग उसके घर में मूर्ति पूजा करने जाते हैं। सुल्तान ने उस जुन्नारदार को मुहर सहित दरबार में लाने का आदेश दिया। जब वह फिरोजाबाद आया तो सुल्तान ने आमिलों सूफियों तथा मुफ्तियों से फतवा मांगा। उन्होंने फतवा दिया कि यह मुसलमान हो जाए, अन्यथा इसे जीवित ही जला दिया जाए। उससे इस्लाम स्वीकार करने के लिए बहुत कहा गया तथा ईमान का मार्ग दिखाया गया, किंतु उसने स्वीकार नहीं किया। यह सब उस पुस्तक में लिखा है। अंत में उसे सुल्तान के समक्ष दरबार में लाया गया और लकड़ी ढेर की गई। उसे हाथ पैर बांध कर मुहर के साथ लकड़ी के ढेर में डाल दिया गया। संध्या की नमाज के समय मुहर और उस जुन्नारदार के दो ओर से आग लगाई गई। एक सर की तरफ से, दूसरी पैर की तरफ से जुन्नारदार क्षण भर में जल गया। शरीयत की कठोरता को धन्य है, शहंशाह द्वारा शरा का कण भर भी उल्लंघन नहीं किया गया। उसने जुन्नारदारों से जजिया वसूल किया। सुल्तान का मानना था कि जुन्नारदार कुफ्र की कोठरी की कुंजी हैं, काफिर उनके भक्त होते हैं, सर्वप्रथम उनसे जजिया लिया जाए, किसी भी हालत में माफ न किया जाए। इस पर चारों शहर के जुन्नारदार एकत्रित हुए और निवेदन किया कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, किसी सुल्तान ने हमसे जजिया नहीं वसूला। हम गरीब लोग दूसरों के दान पर आश्रित रहते हैं, कहाँ से देंगे, इससे तो अच्छा है कि हम लोग भी लकड़ी इकट्ठी करें और जलकर मर जाएं। इस पर सुल्तान ने उन लोगों की ओर क्रोध से देखते हुए कहा, कह दो इन लोगों से कि देर ना करें, तुरंत मर जाएं, इनका जजिया माफ नहीं होगा। इस पर उन जुन्नारदारों ने कई दिनों तक अनशन किया, यहां तक कि मृत्यु के नजदीक पहुंच गए, मरणासन्न हो गए। अंत में शहर के सारे हिंदू इकट्ठे हुए और जुन्नारदारों से कहा कि जजिया के कारण आत्महत्या करना उचित नहीं है, आप लोगों का जजिया हम लोग चुकाएंगे। इससे भी अधिक हैरत अंगेज क्रूर कथा तो अभी बाकी है। तैमूर को लेकर सरफद्दीन अली यजदी की पुस्तक जफरनामे का अनुवाद भी उक्त तुगलक कालीन इतिहास नामक पुस्तक में किया गया है। उसमें लिखा गया है कि तैमूर ने सुना था कि हिंदुस्तान में दिल्ली तथा आसपास के इलाके पर हालांकि मुसलमानों का ही प्रभाव है, कब्जा है, इस्लाम का ही प्रभुत्व है,
किंतु वहां के बादशाह ने जजिया के नाम पर थोड़ी सी रकम लेकर काफिरों को दुराचार और मूर्ति पूजा की अनुमति दे रखी है। अतः उसने काफिर हिंदू और उन्हें मूर्ति पूजा की अनुमति देने वाले मुसलमान दोनों को ही सजा देने के लिए भारत की ओर कूच किया। पुस्तक में नृशंस हत्याकांडों का विस्तृत और रोंगटे खड़े करने वाला विवरण इस प्रकार वर्णित किया गया है, माने यह कोई बहुत ही महान कार्य है। मैं तो केवल कुछ अंश ही साझा करता हूँ। अक्टूबर नवंबर 1398 में खुरासान के बादशाह अमीर तैमूर ने मुल्तान में अपनी सेना का पड़ाव किया। उसके बाद भटनेर के किले में घिरे हुए 10,000 हिंदुओं की हत्या करवा दी। वह किलेदार जुलजी भट्टी को बंदी बना लिया। उसके बाद सामाना कतियल असंधी होते हुए तैमूर की सेना पानीपत पहुंची। पूरे इलाके के अग्निपूजक लोग अपने घरों को जलाकर भाग गए। विजयी सेना ने उस प्रदेश में किसी व्यक्ति को नहीं देखा। पानीपत में 10,000 मन गेहूं का ढेर अवश्य मिला, जो सेना में बांट दिया गया। तैमूर ने यमुना नदी पार कर दुआब क्षेत्र में प्रवेश कर नमोली या लोनी के किले को घेरा। स्थानीय लोगों ने यथाशक्ति प्रतिकार किया, किंतु पराजय निश्चित जानकर कोट के अंदर जौहर हुआ। सिंध नदी के तट से इस स्थान तक, ध्यान दीजिए, लगभग 1,00,000 हिंदू मूर्ति पूजक बंदी बनाए जा चुके थे। शाही आदेश हुआ कि इन सब की हत्या करवा दी जाए। जो कोई आज्ञा पालन में विलंब करे, हत्या न करे इन लोगों की, तो उसे भी मार दिया जाए। इस प्रकार कम से कम 1,00,000 अधर्मी हिंदू, यह उस पुस्तक में लिखा है, अधर्मी हिंदू जिहाद की तलवार द्वारा मार डाले गए। तैमूर जमुना नदी पार कर फिरोजाबाद पहुंचा। भयभीत सुल्तान महमूद ने थोड़ा बहुत प्रतिकार किया, किंतु अंततः गुजरात भाग गया। 27 दिसंबर 1398 को हौज खास के नजदीक की मस्जिद में तैमूर ने नमाज पढ़ी तो शहर में शाही सेना ने लूटमार शुरू कर दी। बहुत से अधर्मियों ने अपने आप को परिवार सहित जला डाला। 28, 29, 30 दिसंबर को भी लूट और कत्लेआम का तांडव जारी रहा। शाही सेना के प्रत्येक व्यक्ति ने 150 से 200 स्त्री पुरुष बच्चों को गुलाम बनाया। जवाहरात, हीरे, मोती, सोना, चांदी बेशुमार सबके हाथ लगी। हिंदुओं के सिरों का बुर्ज आसमान छूने लगा और उनका शरीर पक्षियों का भोजन बना। फिरोजाबाद, वजीराबाद, बागपत होते हुए तैमूर ने 10 जनवरी को मेरठ को भी जीता। यहाँ भी दिल्ली जैसी ही लूट खसोट हत्याएं हुई। 23 फरवरी तक यही सब करते लुटेरों का यह गिरोह जम्मू पहुंचा। कड़े संघर्ष के बाद जम्मू का राय घायल अवस्था में पकड़ा गया और विवश स्थिति में उसने कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाना कबूल किया। अंततः 9 मार्च को उक्त पुस्तक में वर्णित साहिबे किरान नामक यह दरिंदा वापस समरकंद की ओर रवाना हुआ। आप ही बताइए कि ऐसी पुस्तकें प्रतिबंधित होना चाहिए या किसी विश्वविद्यालय को प्रकाशित कर छात्रों को पढ़वाना चाहिए। मदरसों में देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के प्रति नफरत का जहर मन में भरकर बड़े हुए बच्चे विश्वविद्यालयों में यह इतिहास पढ़ेंगे तो क्या अन्य धर्मावलंबी देशवासियों के प्रति अपनापन रखने वाले बनेंगे? कितने हैरत की बात है कि हमारे मुसलमान बंधु उन मुस्लिम शासकों को आदर्श मानते हैं जिनके अत्याचारों से पीड़ित होकर उनके पूर्वज मुसलमान बने। जरूरत है उनको बार बार यह याद दिलाने की कि तुम्हारी रगों में किसी बर्बर अत्याचारी लुटेरे का खून नहीं, शांति प्रिय और सबके कल्याण की कामना करने वाले, सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र जपने वाले हिंदुओं का ही रक्त है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी नफरत फैलाने वाली फैक्ट्रियां बंद होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं,
आप विचार कीजिए। नमस्कार।